हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपकी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से एकदम मस्त हूं और स्वस्थ हूं दोस्तों। और माता रानी से यही कामना करती हूं आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और मेरे वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, अपने जीवन में खूब तरक्की करिए, यही मैं कामना करती हूं ईश्वर से। और ये देखिए यहाँ पे ये दोपहर का टाइम हो रहा है। वैसे तो आजकल ठंडियों में दोपहर शाम कुछ पता ही नहीं चलता है, सिर्फ सुबह का पता चलता है कि अभी सवेरा हुआ है, शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हम यहाँ पे हो रहे हैं रेडी कहीं जाने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो हाथ पैर हम यहाँ पे धो लिए और साबुन से हमने मुंह भी धो लिया है। हम यहाँ पे कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और हाथ पैर भी धो लिए ठंडे ठंडे पानी से, तो थोड़ा सा ठंड भी लगना शुरू हो गया है। और ताजा पानी लेने के लिए गए नहीं हैंडपंप। हेलो मामा मौसी नमस्ते। जो सरपते में इस तरह की तीलियां उगती है उनका मैं जो फुलझड़ी जैसे रहते उनको निकाल के ये देखिए एकदम पतले से, मतलब जो सॉफ्ट रहते उनसे कितना अच्छा दिल बना है। तो मैं जो है वो तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों, और कैमरा नीचे है तो मुझे झुकना पड़ रहा है। अब जा रहे हैं बालों में कंघी करने के लिए। तैयार हो जाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हम फटाफट से तैयार हो चुके हैं और बालों में हमने जल्दी से कंघी कर ली है। बस ऐसे ही बाल को खुला छोड़ दिया, वैसे चोटी बनानी थी, पर अभी जल्दी जल्दी हम सोच रहे बस जल्दी जल्दी तैयार होकर पहुंच जाए जहां पे पूजा हो रही है, नहीं तो फिर सब लोग सोचेंगे कि क्या करने लगी, अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ कुछ। मतलब होता है ना कि परिवार में थोड़ा सा बातें होने लगती है और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो बस इसलिए हमें जल्दी से जाना है। और ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच ही गए हैं। तो बस तैयार होके अभी तक सारे काम निपटा रहे थे दोस्तों, इसीलिए थोड़ी सी देरी हो गई है। सानी पानी वगैरह करके हमने सोचा आराम से पूजा में बैठेंगे, फिर बार बार उठ के हमें आना जाना ना पड़े। तो ये हमारे बाबूजी हैं, हमारे बाबा ससुर जिनको आप लोग जानते हैं, अक्सर हम वीडियो में दिखाते रहते हैं। तो इन्होंने आज पूजा रखी है छोटी सी घर में, वो सत्यनारायण की पूजा है दोस्तों, जो नारायण देवता। हमारे यहाँ ये पूजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यही पूजा ज़्यादातर यूपी में होती है, चाहे वो गृह प्रवेश हो या फिर कभी भी कोई शुभ कार्य किया जाता हो या फिर ऐसे ही कोई मन बना लिया किसी ने पूजा करवाने की, तो यही पूजा हमारे यहाँ होती है। और बस पूजा यहाँ पे हो रही थी, हम यहाँ के आके बैठ गए थे। और एक तरफ आई थी नाउन दादी, जो परिवार की सारी लेडीज़ को, सारी महिलाओं को पैरों में महावल लगाती हैं और सबके यहाँ न्योता भिजवाते। न्योता दोस्तों जैसे एक तरह से बुलावा भिजवाया जाता है कि फलाने के घर में पूजा हो रही है, आप लोग चलो। तो हर जगह कहलवा दिया गया है पूजा के लिए और यहाँ पे बस पूजा शुरू ही हो रही। पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी कथा को समाप्त किए हैं, सारा संस्कृत में ही बोले हैं, हिंदी में कुछ उसका समझाए ही नहीं है, बस संस्कृत श्लोक बोल रहे थे, अर्थ उसका कुछ भी नहीं समझाए क्योंकि इनको इतनी जल्दी सी। और ये लोग जो है नहीं दोस्तों सॉरी, ये कहीं जाने वाले हैं, इनकी आज कई जगह पर बुलावा है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन का वीडियो है दोस्तों, तो उस दिन इन्हें इतना इनका मतलब हर घर में बुलावा था कि बहुत जल्दी जल्दी 5 संख बुलाए और बस जल्दी से चले गए दूसरी जगह पे। और हम यहाँ पे अब पूजा कर रहे थे, घर में नारायण देवता की पूजा है तो बस उनके आगे मस्तक झुकाना और थोड़ा सा धूप बत्ती और भगवान को प्रणाम करना, इतना तो हमें करना ही चाहिए श्रद्धा भाव से, मन से। भले ही चाहे उनके लिए हम कुछ ना करें, बस अगर श्रद्धा से हम उनके आगे हाथ भी जोड़ लिए ना दोस्तों, तो इतना ही बहुत है। भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, श्रद्धा करो या फिर उनके लिए कुछ भी करो जो भी आपसे हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा बेटा बैठा हुआ है, साथ में खड़ा हुआ है आके। और अभी हमारे बेटे के लिए भी कुछ है जो हम अभी आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे हमने क्या किया। तो बस यहाँ पे हमने पूजा कर लिया है दोस्तों और अब वापस जाके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे हम। जल ही हम जाए।
पूजा समाप्त होने पे आई है दोस्तों, और लास्ट में ये देखिए हवन किया जा रहा है। तो हवन में भी हमने हिस्सा लिया, और हवन होता है ना घर में, तो सारे घर के फैमिली मेंबर बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग हवन भी करते हैं, क्योंकि हवन करना चाहिए सबको। और इस हवन में कुल देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, सारी देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। अभी प्रसाद कैसा, यमी है? हाँ इनका प्रसाद खाने का स्टाइल, इनको चंदामृत नहीं चाहिए, सूखा है इनको चाहिए, क्योंकि ये सूखा आटा भी खाते हैं ना, तो इसलिए इनको सूखा सूखा ये अच्छा लगता है। हमेशा ये आटा घर में खाता है लड़का, तो बस पहले से ही नाटक कर रहा था, चंदामृत वाली प्लेट ले ही नहीं रहा था। हाय मम्मी, नमस्ते, जय माता दी। आज हमारी मम्मी गई है दावत, सुबह सुबह चली गई, कथा है ना, और बर्थडे भी है छोटा सा बच्चा का, मेरे मामी के लड़के का। और ये देखिए हम लोग खाना बना रहे, रोटी बन रही है, पास से देख लीजिए। देखिए हम लोग कितनी छोटी रोटी है, ये गोल सी, तो ये हो रहा है दोस्तों शाम का टाइम, क्योंकि हमारे बेटे का आज है बर्थडे, और हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, सब कुछ मतलब कुछ भी करने में असमर्थ रहे हैं। बहुत दुख हुआ है, मैं मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो ये माही ना 10-10 रुपए का जो आता है ना ऐसे गाँव की दुकान में, तो वो सारी चीज़ें ये ले कर आई थी, और कह रही थी ऐसे हम अपने भाई का जन्मदिन मनाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बस आप लोगों को दिखा दिया है हमने कि ऐसे हमारे बेटे का हमने जन्मदिन मनाया है। सच में दोस्तों इतना बुरा लगा है ना, खैर कोई बात नहीं, आता जाता आता रहेगा, फिर से हम मना लेंगे। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए आज है 2 तारीख, और टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। बच्चों ने बताया आप सभी को कि मम्मी कहीं गई है, तो मैं गई थी मेरी बुआ के घर, वहाँ था छोटा सा प्रोग्राम, यानी कि बर्थडे वगैरह था, तो मैं वहाँ पे गई थी दोस्तों, और ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड की बिल्कुल, क्योंकि जाना ज़रूरी था, हर छोटे मोटे काम में बुलाती हैं मुझे, और तबीयत ठीक नहीं थी तो मन बिल्कुल ही नहीं गया, फ़ोन में घर पे ही छोड़ दी थी, तो मैं ब्लॉगिंग की ही नहीं, किसी से बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज ठीक हूँ दोस्तों, 2-3 दिन हो गए मुझे वहाँ से आए हुए, ब्लॉग कंटिन्यू जा नहीं रहा था। मैंने बोला था ना आप सभी को कल, आज का व्लॉग कल ख़त्म होता है, परसों ख़त्म होता है, मतलब कभी 3 दिन में ख़त्म होता है, कभी 2 दिन में ख़त्म होता है, लेकिन कल से मैं कल सुबह होते ही व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, और कोशिश करूँगी एक दिन में एक व्लॉग ख़त्म करूँ, और अब व्लॉग में प्रॉपर डालूँ। बस आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहिए, और चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा दोस्तों। और मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरे बेटे का 30 तारीख को बर्थडे था, मैं नहीं मना पाई हूँ, लेकिन शायद मेरे कुछ कुछ सब्सक्राइबर को पता था, उन्होंने मेरे बिना बताए ही कमेंट में उस दिन 30 तारीख को सब ने, मतलब सब ने नहीं, किसी किसी ने करीब 7-8 कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने अभी को बर्थडे विश किया था, तो उन्हें कैसे पता ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें पता था। तो इसके लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे का बर्थडे याद रखा और उसे अच्छी अच्छी ब्लेसेस भी दी, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम है, जो मैं अभी हम लोगों की मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं था, चाहे आप इसे आर्थिक स्थिति समझ लीजिए, मानसिक या फिर घरेलू कुछ दिक्कत जो भी हो, मैं आप लोगों को खुल के नहीं बता सकती हूँ, सब तरह से मतलब हम सारी तरह से अभी कमज़ोर हैं, तो जिसकी वजह से मैं मेरे बर्थडे बेटे का बर्थडे नहीं मना पाई हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अगले साल कोशिश करूँगी कि अच्छे से मना पाऊँ, क्योंकि हर साल मैं सोचती हूँ अब की अच्छे से मनाऊँगी अपने बेटे का बर्थडे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर पिछले साल भी हमने ऐसा सोचा था, अब की साल भी हमने ऐसा सोचा था, अब एक साल बाद फिर हमें सोच रही हूँ कि पिछले साल अच्छे से करके सबको बुलाएंगे धूमधाम से, लेकिन माता रानी और भोले बाबा की कृपा बनी रही तो अच्छे से होगा सब कुछ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, और आप लोग चैनल को खूब खूब सब्सक्राइब कीजिए, और खूब वीडियो को शेयर कीजिए, आपका एक अगर एक वीडियो भी आप शेयर कर देते हो ना,
तो एक एक वीडियो सारे लोग शेयर कर देते हो तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे, मुझसे व्यूवर्स जुड़ जाएंगे। आज के व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, कल के वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बाय।